गाइस hey नमस्ते जय हिंद जय माता दी और जय भारत आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ऑफ मे मेक एनर्जी की किस तरह की रहने वाली है क्या होने वाला है आ, क्या हो सकता है थर्ड ऑफ मे को और आ, मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जस्ट तीन ही डेक हैं तो मेको उनको ही यूज करना पड़ेगा फिलहाल तो और मैं कार्ड शफल करके नहीं निकाल सकती हूँ अभी तक स्टिचेज है तो मैं हाथ से निकाल रही हूँ कार्ड्स तो आ, मतलब सिर्फ पुल करके निकाल रही हूँ कार्ड सो लेट्स सी थर्ड ऑफ मे की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है क्या होने वाला है मैं टेरो ऑफ द डिवाइन से निकालूंगी एंड देन आई एम ऑल्सो गाइडेड हेविन नर्थ से कुछ कार्ड निकालने के लिए सो लेट्स हाउ इट गोज एंड हाउ इट फ्लोज बट लेट्स फर्स्ट कार्ड फॉर थर्ड ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू वट इज गोइंग टू हैपन वट डू वी नीड टू नो सेकंड कार्ड फॉर थर्ड ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू वट इज गोइंग टू हैपन वॉट डू वी नीड टू नो थर्ड कार्ड फॉर थर्ड ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू वट इज गोइंग टू हैपन वॉट डू वी नीड टू नो ओके सो ओके सो आई एम गाइडेड टू पुल दिस टू मोर क्योंकि खुद ही साइड पे हो गया मैं आंख बंद करके कार्ड निकाल रही थी दिस इज वन एंड दिस इज वन ओके सो थर्ड ऑफ मे 2022 सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है थर्ड ऑफ मे के लिए वो है स्टार uh,

क्लैरिटी आने का कार्ड होता है कहीं जो स्टार की एनर्जी है वो बैलेंस भी बताती है क्लैरिटी भी बताती है कहीं जो स्टार की एनर्जी है वो चीजों के ओपन अप होने को भी बताती है और पॉजिटिव रहने को भी बताती है और ये कार्ड बोलता है कि ये एनर्जी है जो बोलती है कि जो भी चीज़ें हुई हैं अभी तक जो भी आपके सपने हैं जो भी रिजेक्शन हुई हैं जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं जो भी सिचुएशंस हुई हैं जो भी चीज़ें आपके पास में हुई हैं इट इज़ टाइम टू गेट ओवर देम इट इज़ टाइम कि आप उस सारे पास से बाहर आए और आप नई डिटर्मिनेशन के साथ फ्यूचर की तरफ जाएं तो सबसे पहले तो आपने फोकस करना है आपको स्टोरी मैं बता देती हूँ इफ यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड सिस्टर एल्वो न्यूश नुष्का एंड ब्रदर इवानुष्का तो ये स्टोरी है रशिया की स्टोरी है और आई डोंट नो वाई बट द फर्स्ट फीलिंग दैट आई गॉट विद दिस वॉज न्यूक्लियर और ब्लास्ट बट यस सो पहली एनर्जी जो है वो मुझे कहीं दिखाई दे रही है जहां पे आपको डेफिनेटली um, पास्ट को पीछे रख के पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट पास्ट के जो भी थॉट्स हैं जो भी इम्बेलेंसेज हैं उनको पीछे रख के यू विल हैव टू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर आपको फ्यूचर की तरफ पाथवे पे आगे बढ़ना है आपको फ्यूचर की तरफ स्टेप लेके आगे बढ़ना है आपको फ्यूचर की तरफ कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ना है क्योंकि जिस तरह से ये कार्ड्स अलाइंड है स्टार के बाद नाइट ऑफ सोड आया है और अगर आप देखें तो यहां पे वो नाइट जो है वो बहुत इनोसेंट है बहुत क्योंकि ये उसका ब्रदर है आ, स्टोरी के हिसाब से तो वो नाइट जो है वो बहुत इनोसेंट है वो बहुत अम, एकदम छोटा सा आपको दिखाई देगा यहाँ पे शीप आ, या शीप बेबी शीप या बेबी घोड़ा घो हॉर्स भी हो सकता है और यहाँ पे वो फुली ग्रोन अप है और वो बाहर की एनर्जी की तरफ जा रहा है और ये कार्ड मुझे हमेशा पता नहीं क्यों आई रिलेट दिस कार्ड टू तो कृष्णा जबकि इसकी स्टोरी जो है वो कृष्णा के साथ रिलेटेड नहीं है लेकिन क्योंकि इसके आसपास इतना सारा मोरपंख है कि मैं जो नाइट ऑफ सोर्ट का कार्ड इसका इस डेक का है स्पेसिफिकली मैं इसको कृष्ण के साथ रिलेट करती हूं और ये कार्ड जो है ये हैंग टू मलेशिया की स्टोरी है और ये कार्ड है जो जो एक्चुअली जो जानता है कि जीत कैसे करनी है जो जानता है कि जीत की तरफ कैसे बढ़ना है जो डरता नहीं है किसी भी चीज से जो जिसमें कोई डर नहीं है और ये एनर्जी है जो मुझे लगता है कि आपको आ, अपने साथ रखनी है थर्ड ऑफ मे की जहां पे पास्ट की जितनी भी चीजें हैं उनको आपको छोड़ देना है पास्ट की जितनी भी एनर्जीज हैं उनको आपको छोड़ देना है और एक्चुअली आपको फ्यूचर की तरफ बढ़ना है नए डिसीजंस की तरफ बढ़ना है नए स्टेप्स लेने की तरफ बढ़ना है और वो जो बढ़ना है आगे वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है आपके लिए क्योंकि उसी के थ्रू जो एक्चुअल ग्रोथ है जो एक्चुअल चेंज है वो आपको पता लगेगा क्योंकि अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखेंगे तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो एक्चुअली वो ग्रोथ है या वो चेंज है जिसके बारे में आपको बहुत बार बोला गया होगा या आपने बहुत बार सुना होगा या आपने बहुतों को सुना होगा लेकिन सुना अनसुना कर दिया होगा हो ये स्ट्रेस का, का कार्ड होता है लेकिन साथ में अल्टीमेटली का बहुत, तो बहुत सारी ग्रोथ हुई और वो स्कल के अंदर से कहां से कान से निकला सो so, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है बहुत फास्ट पेस चेंज होने वाले हैं बहुत सारी न्यूजेस बहुत सारी कॉन्फर्मेशन बहुत सारी एनर्जीज जो है वो आने वाली है मैं इसकी भी स्टोरी है वो आपको दिखा देती हूं केस यू वॉन्ट टू रीड दिस ये है टिम्बो ट्री और ये स्टोरी है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो लेकिन आपको डेफिनेटली मेरे को एक चीज जो दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको अगर किसी भी चीज में हेल्प की जरूरत है तो आपको हेल्प लेनी है सब कुछ खुद करने की कोशिश नहीं करनी है हर चीज का बर्डन अपने ऊपर लेने की कोशिश नहीं करनी है और समवेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो चॉइस करें वो बहुत बैलेंस रह के करें बहुत पॉजिटिव uh, रह के करें और बहुत क्लियर के करे क्योंकि डेफिनेटली किसी तरह चॉइस जो है वो आपके सामने आने वाली है थर्ड की एनर्जी में तो किसी तरह चॉइस आपके तरफ आने वाली है और आपको चॉइस जो है वो बहुत बैलेंस करनी है क्योंकि टू ऑफ सो का कार्ड सीता माँ की एनर्जी है और उनके पास एक चॉइस थी कि अग्नि परीक्षा देनी है या नहीं देनी है राइट और उन्होंने वो चॉइस ली थी तो ये अग्नि परीक्षा इस बार आपकी हो सकती है चॉइस आपकी हो सकती है और पीछे आपको एक मिस्टीरियस क्रिएचर भी यहां पे दिखाई देगा तो डेफिनेटली कोई मिस्टीरियस एनर्जी कोई चेंज की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली कल की एनर्जी में नहीं थर्ड की एनर्जी में है और अगर आप यहां पे देखेंगे तो स्टार कार्ड जो है वो नंबर सेवनटीन का कार्ड होता है एट बनता है एट प्लस एक्चुअली इलेवन बन जाता है क्योंकि ये नाइट का कार्ड है ट्वेल्व का कार्ड है ये इलेवन बन जाता है और ये टेन है सो so टेन और इलेवन की एनर्जी ऑलरेडी थ्री बनता है और ये वाला अगर कार्ड आप देखें तो यह फोर की एनर्जी है ये टू की एनर्जी है ये सिक्स बनता है बनता टोटल नाइन की एनर्जी बनती है कंप्लीशन होती है और टेन जो है वो एक्चुअली में और होता है तो नई बिगनिंग होती है तो ये जो कार्ड है ये कहीं आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं दैट एक सेक्रीफाइस जो है एक चेंज जो है एक डिसीजन जो है वो डेफिनेटली बहुत कुछ बदल सकता है क्योंकि जो लास्ट है वो अगेन क्वीन ऑफ सोट्स का कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड एक्चुअली चाइना की एनर्जी को भी इंडिकेट करता है और उसका के साथ में वॉर की एनर्जी या पुराने पास्ट को दोबारा रिवाइव करने की एनर्जी और एक्शन के लिए ओपन अप होने की एनर्जी जो है वो भी दिखाता है और क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड में एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे हमेशा एजेंसी से रिलेटेड लगता है तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग एनर्जी बहुत स्ट्रांग मीनिंगफुल मैसेज जो है वो आ सकता है और जो ये कार्ड है इसका टूरान डॉट तु चाइना अरेबिक स्टोरी है ये और अगेन uh, ये क्वीन जो है ये बिट्रेल uh, जो है उसको नहीं सहती है और uh, बहुत स्ट्रांग है ब्रूटल है कोल्ड है लेकिन इंटेलिजेंट है उसको पता है कि क्या करना है कैसे करना है और uh, क्या स्टेप्स लेने हैं तो मुझे जो एनर्जी है वो बहुत क्लैरिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है इट फील्स लाइक कि कुछ इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है या कुछ इनिशियल ऐसी थॉट हो सकती है जो आपको वरी करे जो आपको थोड़ा सा आपका फोकस uh, हिलाए या थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि एम आई रेडी फॉर दिस सेफाइस और नॉट या आपको लगे कि मुझे ये स्टेप लेना है नहीं लेना है लेकिन डेफिनेटली न्यूजेस हैं डेफिनेटली कॉन्फर्मेशन हैं डेफिनेटली मैसेजेस हैं हेडेक्स को लेकर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है हेडेक्स हो सकती हैं कल की एनर्जी में मुझे थोड़ा सा वो दिखाई दे रहा है दूसरा अगर आपको किसी भी तरह का गैस्ट्रिक या बीपी रिलेटेड कोई इशू है तो कल आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आ, थोड़ा सा कल एज एन मैं थर्ड की बात कर रही हूं थर्ड को आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा सा उसमें भी अप डाउन जो है, वो देखने को मिल सकता है लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई न्यूज कोई खबर Uh, कोई चीज़ जो है वो आपकी तरफ आ सकती है कोई कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है डेफिनेटली uh, कोई स्टेप आपको लेना होगा लेकिन कुछ ऐसा जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस गए हैं मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो कुछ ऐसा जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस गए हैं उस तरह की कोई न्यूज जो है वो आपकी तरफ आ सकती है क्योंकि दोनों ही तरफ जो है वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी के um, काट मुझे दिखाई दे रहे हैं और टोटल एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है जैसे मैंने बोला कि मैं क्लैरिफिकेशन जो है वो यहां से हेवन एंड अर्थ से निकालूंगी तो एक बार लेट्स से मैं शफल करके नहीं निकाल सकती तो मैं सिर्फ पुल आउट करूंगी कार्ड सो लेट्स एंड नोट से क्या क्लेरिफिकेशन आती है हमारे पास थर्ड ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू की एनर्जी के लिए थर्ड मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो टू एंड ये ऑलरेडी फाइव कार्ड्स है तो मैं थ्री निकालूंगी क्योंकि थर्ड ऑफ मे है और uh, यर सो इफ यू सी यहां पे भी फाइव और टेन की एनर्जी आ गई है बिकॉज ये नाइन ऑफ वनज है और ये एस ऑफ सोड है ये टेन बन जाता है और ये हायरफेंट है हायरफेंट की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली किसी तरह के कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है uh, किसी तरह के मैसेजेस की एनर्जी होती है अथॉरिटीज की एनर्जी होती है यहां बुल है यहां पे एलिफेंट um, है ये मुझे कार्ड पता नहीं क्यों मोदी जी से ऐसा लगता है और यहां पे कबूतर उड़ रहा है जो पीस का साइन है लेकिन साथ में द किंग इज वेरी वेरी डिटरमाइंड और उसके सर के ऊपर अगर आप यहां पे देखेंगे um, एक मिनट यहां पर तो यहाँ पे कुछ नेल्स बनी हुई हैं एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आई थिंक दे आर नाइन टू थ्री आर दे आर नाइन और नाइन जो होता है जैसे मैंने बोला कंप्लीशन से जस्ट एक स्टेप पहले होता है ये अथॉरिटी और पावर का साइन है ये अर्थ और वाटर के साइंस um, हैं तो uh, एक तरह से uh, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल फोर एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स आर गोइंग टू बी इन प्ले अनडाउटेबली लेकिन अर्थ और वाटर uh, जो है ये दो मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज uh, लग रही है ये कहीं ना कहीं ट्रांस ट्रांसफॉर्मिंग um, uh, या ट्रांसडेंटल एनर्जी का साइन होता है और ये आई थिंक वाटर का साइन होता है और uh, ये जो एनर्जीज है यहां पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये एक सन दिखाई देगा एक सन यहां पर दिखाई देगा एक यहाँ पे जोडिक ये जोडिक साइंस के साइन है और ये आपको एक यहां पे दिखाई देगा एक यहाँ पे दिखाई देगा एक यहाँ पे दिखाई देगा मेरे को मीनिंग्स अभी मैं मैं नहीं बता सकती हूं आपको क्योंकि मुझे भी पढ़ने पड़ेंगे लेकिन आइडली ये तीन साइंस जो है तीन स्टेयर केस जो है तीन, तीन स्टेप्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं एंड द कीज सो यहां पे कीज लेके तीन स्टेप्स इफ यू गो अप देन यू हैव ऑल द आंसर्स और वो मुझे um, आते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑफ थर्ड ऑफ मे को यहां पर ये सब सोच है um, बादलों में से एक हाथ निकल रहा है उसके अंदर एक तलवार है अंग राइजिंग और द क्राउन टेकन अवे और यहां पर नाइन ऑफ वर्ड्स की एनर्जी है ग्रेट स्ट्रेंथ एंड दिस इज अ कार्ड जहां पे uh, आप वेट कर रहे हो एक फाइनल स्टेप के लिए तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि समथिंग इज गोइंग टू भी फाइनलाइज इन योर लाइफ लेकिन हाँ मैं ये डेफिनेटली बोलूंगी दैट द एर्जीज आर सच वेर कुछ इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट समथिंग

एक कदम आपका एक कम्युनिकेशन uh, आपका एक स्टेप आपका एक कॉन्फर्मेशन आपका वो तीन सीढ़ी चढ़ना जो है वो बहुत जरूरी रहेगा और वहां से बहुत कुछ बदलने वाला है और अगर टोटल एनर्जी मैं यहां पे देखो तो नाइन प्लस वन टेन होता है फाइव प्लस वन सिक्स की एनर्जी होती है और यहाँ पे हमारे पास नाइन पहले से था तो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन टोटल सिक्स की एनर्जी होती है सिक्स की एनर्जी इज विक्ट्री वी ऑल नो दैट और सिक्स की एनर्जी इज ऑल्सो लवर्स जो एक्चुअली कनेक्शन की एनर्जी होती है मीटिंग की एनर्जी होती है तो ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल लग रही है बस खुद पे भरोसा रखें और बाकी अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें मैं इंडिया और वर्ल्ड की बात करूंगी अगर आप कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं तो आप कंटिन्यूशन में देख सकते हैं और अगर आप अलग अलग वीडियोज में देख रहे हैं तो ये नेक्स्ट वीडियो होगी इसको आप प्लीज लाइक और शेयर कर दें सबके साथ ताकि सब तक पहुंच पाए और बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड के लिए क्या होने वाला है थर्ड ऑफ मे को Hi guys, नमस्ते जय हिंद जय मातादी और जय भारत सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ थर्ड ऑफ मे गोइंग टू बी फॉर इंडिया तीन मई इंडिया के लिए भारत के लिए कैसे रहने वाली है और दुनिया के लिए कैसे रहने वाली है तो तीन मई के लिए इंडिया uh, uh, की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है इंडिया में क्या हो सकता है मैं अभी शफल नहीं कर सकती कार्ड तो पुल आउट कर रही हूँ उम्मीद करती हूँ पार्ट वन आपने देख लिया हो सो um, so, सबसे पहले तो देखते हैं तीन मे की एनर्जी जो है इंडिया के लिए कैसी रहने वाली है ओके आई विल क्लोज माई आईज इन दैन ओनली टेक आउट द कार्ड एक कार्ड मेरे ध्यान में है मैं इसको बाद में जरूर पुल आउट करूंगी इंडिया के लिए बट लेट्स सी, इंडिया थर्ड ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू गाइड्स एंजल्स वट इज गोइंग टू हैपन वट डू वी नीड टू नो थर्ड ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके सो दिस इज टू एंड एक कार्ड ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत अलग सा दिखाई दे रहा है तो आई एम गोइंग टू पुल्स ओके सो इंडिया के लिए थर्ड ऑफ मे 2022 ट्वेंटी की एनर्जीज बहुत ही सुपर स्ट्रांग एनर्जीज हैं आई विल टेल यू व्हाई बहुत सुपर स्ट्रांग एनर्जीज हैं क्योंकि इन स्टक सिचुएशन है वर्ल्ड है और हायर हायरोफेंट है और uh, जब आप इस इन कार्ड्स को देखते हो uh, इस कार्ड का स्टोरी है डंकी स्किन और डंकी स्किन इस कार्ड की स्टोरी है बिकॉज um, uh, कोई एक uh, देर वॉज अ किंग जो अपनी ही डॉटर को मैरिज करना चाहता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स और वो जो डॉटर है वो उस चीज से बचने के लिए शीरान जवे और वह डंकी स्किन मतलब अपने आप को अपनी जो स्किन है अपनी जो खूबसूरती है उसको छोड़ देती है और डंकी स्किन बन जाती है और वो किसी और किंग को सर्व करने लगती है बट देन देर कम्स अ टाइम जब जहां पर दैट किंग जहां पर वो सर्व कर रही होती है

लगा दी जाती हैं लाइट्स बंद कर दी जाती है किसी भी तरह से वो मेल um, uh, के साथ जो अपना काउंटर पार्ट है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकती है या उसके साथ मिल नहीं सकती है एंड देन शी टेक्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी ब्रेव डिसीजन और वो सब कुछ छोड़कर पानी के रास्ते um, अपने सारे कपड़े तक छोड़कर पानी के रास्ते जो है वो um, uh, किसी तरह से उस उस पर्सन um, uh, तक पहुंचती है एंड देन दे दो बोथ ऑफ देम कनेक्ट ब्यूटिफुली विद ईच अदर और दे वर्ल्ड कंप्लीट्स ओके थर्ड जो एनर्जी है हायर फेंड की एनर्जी है और हायर फेंड की एनर्जी की मतलब पूरी स्टोरी मुझे भी याद नहीं है बट जो जो याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ बता रही हूं कि हायर फेंड की एनर्जी जो है वो दिस इज एन एनर्जी ऑफ डिवाइन मैजिक क्योंकि um, यहां पे अगर आपका हार्ट प्योर है uh, अगर आपका दिल प्योर है तो डिवाइन जो है वो आपके लिए मैजिकली वर्क करेगा और ऑल योर विशेज विल गेट फुलफिल्ड और उस तरह की एनर्जी जो है वो हायर फेंड की एनर्जी है नाउ विद ऑल थ्री कमिंग फॉर इंडिया मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूं कि इंडिया की पोजिशन जो है उसमें वर्ल्ड में इंडिया के पोजीशन में बहुत स्ट्रांग चेंजेस जो है वो थर्ड ऑफ में से आने वाले हैं थर्ड ऑफ में एक बहुत बड़ा आ, आ, मैं अगर बोलूं कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग माइल तो वो गलत नहीं होगा इंडिया को वर्ल्ड की एनर्जी में कनेक्ट करने के लिए थर्ड ऑफ में जो है वो बहुत बड़ा माइल Uh, साबित होने वाला है और यहां पे क्योंकि मुझे अथॉरिटीज पावर भी दिखाई दे रही है और यहां पे मुझे एक स्ट्रक एनर्जी भी दिखाई दे रही है uh, मुझे एक रेस्क्यू की एनर्जी भी दिखाई दे रही है सो समथिंग और समबडी देर माइट बी अ रेस्क्यू ऑफ 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 समथिंग और समबडी देर माइट बी अ डिसीजन ऑल्सो एक ऐसा डिसीजन भी हो सकता है जिसको लेने के लिए इंडिया uh, बहुत टाइम से सोच रहा है लेकिन घबरा रहा है डर रहा है अनश्योर uh, है और वो डिसीजन फाइनली लिया जाए लेकिन हाँ मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ दैट वट एवर डिसीजन जो भी डिसीजन लिया जाएगा इट इज गुड टू बी मैजिकल क्योंकि वो प्योर हार्ट से लिया जाएगा क्योंकि मैं डेफिनेटली आपको जब मैं स्टोरीज की बात करती हूं आई नो की वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन स्टोरीज तो मैं आपको स्टोरीज बताती जरूर हूं ताकि आप अपने आप भी पढ़ो आपको थोड़ा इंटरप्रिटेशन मिले चीजें मिले सो दिस इज डंकी स्किन जो मैंने आपको बोला था दैट डिसीजन की कंटिन्यू करना है एंग्जाइटी में रहना है विक्टिमहुड में रहना है ट्रैप्ड रहना है या बाहर निकलना है और यहां पे मुझे डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जो कार्ड है उससे नेक्स्ट वो वर्ल्ड कार्ड है और वर्ल्ड की जो एनर्जी है, वो ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है जहां डिफिकल्ट जर्नी लेकर फिर भी कंक्लूजन की तरफ आते हो कंप्लीशन की तरफ आते हो सेलिब्रेशन uh, की तरफ आते हो और उसके बाद अगर आप देखो बहुत अच्छा सीक्वेंस जो है वो बहुत अच्छा आया है और यहां पे अगर आप देखो तो हरफ एंड है वाइट बफल वुमेन और ये जो है ये बोलता है कि कंफर्ट सपोर्ट ग्रुप कंपैशन अप्रूवल लेगेसी और एक तरह से रिचुअल्स और राइट्स तो एक तरह से नए रूल्स बनेंगे वर्ल्ड के लिए नए रूल्स बनेंगे इंडिया के लिए नए रूल्स बनेंगे एनर्जीज के लिए नए रूल्स बनेंगे चीजों के लिए और मुझे कुछ बहुत मेजर शिफ्ट बहुत मेजर चेंजेस जो है वो इंडिया की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ सोट्स का कार्ड है मुझे थोड़ा सा जो ऑलरेडी रिलीजन रिलेटेड चीजें चल रही हैं वो थोड़ी सी और अ, एक तरह से नेक्स्ट टर्न ले

न सी सम साइंस जो आपको एक इंडिकेशन देते हैं ऑफ डिवाइन बीइंग प्रेजेंट देयर और ये एनर्जी जो है ये डेफिनेटली आपको विजिबल होने वाली है इंडिया के लिए कुछ सम ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग फॉर इंडिया एक न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर इंडिया तो इंडिया के लिए मुझे लगता है कि थर्ड ऑफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली uh, चेंज uh, लाने वाला ईयर हो, uh, दिन होने वाला है क्योंकि mm, मुझे यहां पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज दिखाई दे रही हैं एट प्लस थ्री इलेवन होता है और यहां पे फाइव की एनर्जी है तो टू सेवन बना देता है इसको और सेवन प्लस फोर फिर से इलेवन की एनर्जी बन जाती है सो वी कैन सी द नंबर वाइज ऑल्सो सेवन जो है अपना ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी होती है और सेवन uh, के साथ फोर की एनर्जी है तो ऑटोमेटिकली इलेवन की एनर्जी बन जाती है जो अगेन मेक्स इट अ डिवाइन और अ अंजोलिक एनर्जी नाउ लेट्स सी कि इन वर्ल्ड uh, के लिए जो है वो क्या होने वाला है और मैं ये कार्ड जो है वो साइड पे रख देती हूँ क्योंकि टेबल छोटा सा है पी यू का स्टडी टेबल यूज कर रही हूं मैं छोटा वाला तो ओके सी वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड के लिए क्या एनर्जीज होने वाली है फॉर थर्ड ऑफ मे ट्वेंटी टू गाइड्स एंजल्स वर्ल्ड एंड वर्ल्ड वॉर लेट्स वर्ल्ड के लिए uh, थर्ड ऑफ मे 2022. Okay, so ओके सो वर्ल्ड के लिए इन चीज वर्ल्ड के लिए मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत ये मुझे ना थोड़ा सा आई एम गोइंग टू टेक आउट वन मो कार्ड थोड़ा सा ये मुझे उसमें भी दिखाई दे रहा था जो मैंने जर्नल कार्ड्स निकाले थे उसमें भी दिखाई दे रहा था उल्टा आया ये कार्ड थोड़ा सा मेरे को जो जर्नल कार्ड निकाले थे उसमें भी दिखाई दे रहा था ये और यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है तो आई डू सी सम काइंड ऑफ फायर ब्लास्ट और सम काइंड ऑफ वेरी स्ट्रांग मैसेज एंड मैसेंजर मूविंग वेरी फास्ट तो uh, कुछ जो है वो बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाली है वर्ल्ड एनर्जी में और ये फास्ट मूवमेंट जो है ये फास्ट स्टेप uh, जो है ये उस कंट्री की तरफ होने वाला है जो काफी समय से बैठ के सिर्फ वेट कर रही है एक साइन मिलने का सो so दैट वो भी वॉर में पार्टिसिपेट कर पाए एंड इफ यू सी तो यहां पे मुझे एक इल्यूजन भी दिखाई दे रही है अला दिन का चिराग है और बहुत सारे चिराग है तो यू डोंट नो कि आपको कौन से चिराग को पकड़ना है और इस ऑफ कप की एनर्जी जो है ये अपनी ही नई डिश तैयार करने की एनर्जी होती है आइडली इसमें स्टोरी के हिसाब से एंड ये कार्ड उल्टा आया था तो डेफिनेटली uh, um, मुझे ऐसा लगता है कि अ कंट्री माइट टेक अ डिसीजन जल्दबाजी में वेयर द इवेलुएशन विल नॉट बी डन प्रॉपरली प्रॉपर इवेलुएट करके नहीं होगा वो डिसीजन और वो डिसीजन जो है एक नई कन्फ्यूजन वर्ल्ड एनर्जी में लेकर आएगा मैं क्लेरिफिकेशन जरूर निकालूंगी लेकिन एक बार लेट्स ऑल्सो स्टोरी के उससे कार्ड जो है वो भी देख लेते हैं तो सबसे पहले आपका एट ऑफ एट ऑफ का कार्ड आया है और एट ऑफ का कार्ड जो है वो ये रहा रेनबो क्रो और ये कार्ड जो है अगेन ये बहुत सेक्रीफाइस का कार्ड है बहुत स्पीड का कार्ड है मोमेंटम का कार्ड है और एक तरह से कोल्ड uh, में वो फायर uh, जो है वो लेके जा रहा है और अपने पंख भी चला रहा है तो इफ यू सी इट इज अ कार्ड ऑफ अ मैसेंजर ये एक मैसेंजर का कार्ड है ये रिलीफ देने का कार्ड भी हो सकता है लेकिन वेरी वेरी फास्ट डिसीजन और दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे वो um, साउथ अफ्रीका की स्टोरी है और ये जो कार्ड है ये इफ यू सी हियर दुनिया को सही रास्ते पर लाने की एनर्जी राइट सो समबडी जो लॉयल है डिटमाइंड है हार्ड वर्किंग है परसिस्टेंट है अफिशियंट है और uh, ये जो कार्ड है ये कार्ड अगेन मुझे ऐसा लगता है जैसे um, ये एक बहुत फास्ट एनर्जी है जहां पर uh, कोई ऑलरेडी वेट कर रहा है सो कंट्री इज ऑलरेडी वेटिंग स्टेप लेने के लिए और ये एनर्जी जो है वो उस, 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 आ, उस कंट्री को या उस एनर्जी um, uh, को मोमेंटम में डाल देगी और ये मोमेंटम जो है वो कंफ्यूजन लाने वाला है क्योंकि uh, अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है अलादिन का कार्ड है पर्शिया और यहां पे आप अगर देखें तो ये um, एक तरह से डे uh, ड्रीमिंग का कार्ड है फैंटेसी डिसीजन विशफुल थिंकिंग प्रोग्रेसिनेशन कई बार ऐसे डिसीजन जो हम फैटेसी uh, या विशफुल थिंकिंग में ले लेते हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो वैसा नहीं आता है क्योंकि ये ये जो कार्ड है ये uh, उल्टा आता है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम डिप्रेशन सैडनेस क्रिएटिव ब्लॉक रिप्रेशन ये, ये कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली एक नई एनर्जी um, बताता है लेकिन uh, पता नहीं क्यों ये कार्ड मैंने उल्टा उठाया और अगेन सेक इज अ ड्रिंक ऑफ गॉड

ट कर चुकी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है और यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि वो इल्यूजन खत्म हो जाएगी और वो पार्टिसिपेशन हमें दिखना शुरू हो जाएगी तो थर्ड ऑफ में डेफिनेटली कहीं किसी कंट्री को रेस्क्यू की जरूरत भी हो सकती है और वो रेस्क्यू भी uh, हो सकता है किया जाए बहुत फास्ट लेवल पे लेकिन वहां पे भी मुझे किसी तरह की इल्यूजन दिखाई दे रही है लेट्स सेट लेट्स गेट सम क्लैरिटी फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम हेवन एंड अर्थ सो क्लैरिटी फ्रॉम फॉर द वर्ल्ड एनर्जी थर्ड ऑफ में Two, and I'm just going to take one more. Here, you see the cards, the sequence. एट सेवन सेवन और यहां पे चैरिट का कार्ड है और यहां पे अनसेटल्ड एफर्ट ठीफ कार्ड है और यहां पे स्ट्रेंथ का कार्ड है येस समबडी विल बी कॉल्ड अपऑन को किसी को कॉल अपॉन किया जाएगा अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए वो कंट्री ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ऑल सेट टू यूज द टू स्टार्ट द चैरिट लेकिन यहां पे इंटेंशन जो है वो क्लियर नहीं लग रही है यहां पे इंटेंशन जो है वो um, सही नहीं लग रही है यहां पे इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव uh, नहीं लग रही है सो दिस इज अगेन वो सेवन सोड्स है और वो सेवन ऑफ कप्स है वो कार्ड कंटिन्यूशन में आ गए हैं एट प्लस थ्री इलेवन की एनर्जी होती है और यहां पे सेवन प्लस वन एट की एनर्जी होती है एट प्लस टू टेन की एनर्जी होती है तो ऊपर यू सी समथिंग मूविंग टूवर्ड्स न्यू साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी है और यहां पे ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू फोर की एनर्जी बनती है सो फाइव अगेन द स्ट्रगल इज गोइंग टू गेट स्ट्रांगर uh, और ये मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई एक कंट्री है जो बिल्कुल तैयार है अपना सब कुछ रेडी uh, करके कंप्लीटली तैयार है उसको सिर्फ थोड़ा सा टेम करके रखा गया है कि वेट 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 फॉर द राइट टाइम और सडनली दैट कंट्री माइट जस्ट गेट इन टू एक्शन सो थर्ड मे इज ब्रिंगिंग लॉर्ड ऑफ एक्शन फॉर श्योर अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए सबके साथ शेयर कीजिए मैं और औरल मैसेज और सुशांत का मैसेज जो है इसके बाद निकालूंगी और अगर हो सके आप तो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और अगेन अगर हो सके तो वीडियो को सब तक पहुंचाइए थैंक यू सो मच और फीडबैक जरूर दीजिए बाय बाय हाय गाइज नमस्ते जय हिंद जय माता दी और जय भारत तो अभी बात करेंगे और एकल मैसेज और सुशांत का मैसेज वे यूजुअली मैं और एकल कार्ड से मैसेज निकालती हूँ और सुशांत का मैसेज भी मैं वहीं से निकालती हूँ लेकिन uh, आज आई एम लिटिल बिट गाइडेड टू डू इट लिटिल डिफरेंटली तो मैं यहाँ पर और एकल मैसेज निकालूंगी और उसके बाद मैं वाइस वर्षा कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए द मैसेज दैट यू नीड To know and what you need to do. तो जो सामने कार्ड की साइड आएगी वो होगा what you need to know and then जो दूसरी साइड आएगी वो होगा what you need to do. मैं शफल नहीं कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा तो मैं कार्ड मैसेज ऐसे ही निकालूंगी अगैन मुझे ना बीच में कार्ड्स उल्टे और सीधे दिखाई दे रहे हैं एंड देट्स वाई आई एम ट्राइंग कि मैं सारे कार्ड्स जो हैं वो आ, सीधे रख दूँ ताकि कोई भी कार्ड बीच में उल्टा ना हो रिवर्स ना हो और आ, If reverse, you see the reverse. I am going to pull that. Okay, so let's see um, what is the message, what is the oracle message for all of us for the May, energy of 3rd of May. Okay, so guides angels, oracle message for the energy of 3rd of May 2022. Okay, so we have to here, and this wanted to come. दिस इज मैजिकल वी हैव वन एंड वी हैव टेन ट्वेंटी एट वन के एनर्जी आई है फर्स्ट बोन कैलेक्टर है एंड देन देर इज मूवमेंट एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर मेरे को सबसे पहली चीज जो इस फीमेल के हाथ में दिखाई दे रही है वो है एक बहुत बड़ा मोरपंख लाइक like, जिस कंट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स बहुत बड़ा मोर्फ पंख इफ यू सी द घड़ी यहां पर बजा है दस बज के दस मिनट लाइक like, दो, दो बज के दस मिनट बट एक्चुअली दोनों ही तरफ जो घड़ी की सुइया है दे आर इंडिकेटिंग काइंड ऑफ टेन का वो बिकॉज वन टू और इलेवन टवेल्व सो टेन इलेवन टवेल्व और वन टू सो दो बज के चालीस um, मिनट uh, जो है नहीं सॉरी दो बज के पचास मिनट जो है वो हुए हैं यहाँ पे uh, जो सात बनता है और यहाँ पे घड़ी की एक सुई दो पे है और एक घड़ी की सुई दस पे है सो यू सी द एनर्जी इज वेरी वेरी बैलेंस और यहाँ पे एक नया पोर्टल जो है दैट इज ओपनिंग अप यू कैन सी सम काइंड ऑफ म्यूजिक हियर यू कैन सी सम थिंग्स रिटन हियर एंड वाई डिड आई रीड वॉट आई रीड ओके आई 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 डोंट नो रेड समथिंग लाइक सडनली यहाँ पे ये ये जो वर्ड यहाँ पे लिखे हैं मुझे नहीं पता <laughs> मैंने क्या पढ़ा इसको बट एनी नॉट से एज ऑफ नाउ बट या आई पता नहीं <laughs> क्यों मैंने क्या पढ़ लिया इसको ओके <laughs> okay, चलो लेट्स सी मैं आपको uh, बुक से इसका मीनिंग जो है वो बताती हूँ इंग्लिश में आप लोग खुद पढ़ सकते हो और हिंदी में मैं बता दूंगी एंड देन हियर इफ यू सी मूवमेंट दिस होल वर्ल्ड ऑन द बैक ऑफ द ऑस्ट्रिच और इमू इज एक्चुअली मूविंग एंड एक यहाँ पे बहुत बड़ा आपको वो दिखाई देगी पवन चक्की राइट और यहाँ पे एयर बलून हॉट एयर बलून जो है वो आता हुआ दिखाई देगा तो सब तरफ मूवमेंट है घास काटी जा चुकी है नीचे मैदान खुला हुआ है सो so, पहले मैं नंबर वन का कार्ड जो है वो पढ़ती हूँ और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी बहुत सिंक में है जो हमने शुरू में जो कार्ड निकाले ना उस एनर्जी के साथ सो so, दिस पहला का पहला जो है वो बोलता है कि आप कंप्लीट हो और आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए और जब बोन कलेक्टर आता है तो वो बोलता है अपने सर्कम को ध्यान से देखिए और आप फुली कनेक्ट हैं और पास्ट कंडीशनिंग से बाहर आइए अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन से बाहर आइए जब हम वॉन्टेड होते हैं तो और जब यंग होते हैं तो ऐसा लगता है हमसे कुछ चुरा लिया गया है हम उसको उसी वर्जन ऑफ ट्रूथ को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना बिहेव जो है फ्यूचर में उसी पे बेस्ड रख देते हैं ओरिजिनल इवेंट राइट और अब टाइम है जहां पे हम और उसी उसी सब इन्फ्लुएंस के कारण हम हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं और हम अनवर्दी फील करते हैं करेज फील नहीं करते हैं अपने आप में फ्लॉ जो है उसको फील करते हैं क्रिटिसाइज होते हैं बोन e कलेक्टर आपको ये रिमाइंड कराने आई है कि आप बहुत पावरफुल हो और आपके अंदर लिमिटलैस पॉसिबिलिटीज हैं उसने जो भी आपसे चुराया गया था जो भी आपसे ले लिया गया था जो भी आपकी वोडिंग थी जो भी आपके दर्द थे उसने उस सारी एनर्जी को uh, जो भी आपसे चुराया गया था जिसके कारण आपको वून्ड हुआ था उस उस चुराई हुई चीज को उसने सेफ रखा है और अब वो बोलती है कि वक्त है आप उसको रिक्लेम करो और जो आपका है वो आपके पास आ जाएगा सो so, अगर आप वाकई ही में कुछ चाहते हो आप और आपको पता है कि आप वो चाहते हो तो वो आपके पास वापस आ जाएगा सब कुछ पॉसिबल है अगर आप अवेयर होते हो और जो पास्ट के वून है अब वो आपको डिफाइन नहीं करेंगे सो इट इज लाइक क्लेम अगर आप क्लेम करते हो तो जो आप चाहते हो जो आपसे ले लिया गया था वो आपको वापस कर दिया जाएगा दैट्स द एनर्जी ब्यूटिफुल एनर्जी और यहां पे मूवमेंट की एनर्जी है वो बोलता है कि आप एक टाइम में हो जो फॉरवर्ड मोशन में जा रहा है पॉजिटिवली ये पॉजिटिव मोमेंटम का टाइम है और आप रिस्ट्रिक्शन के पीरियड से बाहर आ रहे हो आप स्टेज में हो जहां पे नया एडवेंचर और डिस्कवरी आ रही है आप कंपेल हो सकते हो एक ट्रिप आ, के लिए अपने बाल हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए अपना घर या बिजनेस मूव करने के लिए और रिगार्डलेस की आप Uh, कहां पर हो और आप जहां पे भी हो आप वहां पे नहीं रह सकते हो आप अब टाइम है आगे बढ़ने का नो no मैटर कि क्या इंक्वायरी है आपकी um, आप ड्रीम्स देखोगे जो आपको आगे लेके जाएंगे पुराने डोर्स जो हैं वो uh, जो आप पे शट हो गए थे वो खुलने वाले हैं एज इफ बाय मैजिक मतलब जादू इधर जादू की तरह जो आपके ड्रीम्स हैं वो शेप लेना शुरू हो जाएंगे और डोर्स जो है वो उड़ना शुरू हो जाएंगे मूवमेंट जो है स्टेट ऑफ माइंड है फॉग खत्म होगी धुंध खत्म होगी और ये एक्शन लेने का टाइम है और ये टाइम नहीं है डरने का ये टाइम है लेट इट गो एंड मूव फॉरवर्ड आगे बढ़िए सो so, बहुत ब्यूटिफुल मैसेज है दोनों कार्ड्स का इट इट काइंड ऑफ कंप्लीट सो ब्यूटिफुली और अब जो मैं कार्ड निकालने वाली हूं दैट इज अ मैसेज जो सुशांत की तरफ से होगा और आई आई थिंक दैट मैं एक बार पॉज करूंगी मैं सुनूंगी मैंने क्या बोला था मैं क्या निकालने वाली हूं मैं भूल जाती हूं और uh, फिर मैं एग्जैक्टली exactly वही मैसेज के साथ कार्ड निकालूंगी ओके सो सुशांत का जो मैसेज है जो जो भी कार्ड आएगा उसकी जो अपसाइड जो आपको दिखाई देगी वो होगा व्हाट यू नीड टू नो नो एंड जो नीचे की साइड आएगी वो होगा व्हाट यू नीड टू डू ठीक है तो मैं बहुत ज्यादा शफल तो कर नहीं सकती कार्ड आ गया वट यू नीड टू नो ओके एंड वट यू नीड टू नोन मैं ना वैसे तो इन कार्ड्स को खुद इंटरप्रेट करती हूं लेकिन uh, मैं फिर भी um, कई बार गाइडेंस जो होती है वो उनको वैसे ही फॉलो करना पड़ता है और इसीलिए मैं व्हाट यू नीड टू नो एंड व्हाट यू नीड टू डू सो वट यू नीड टू नो Um, की अपसाइड आई है फो uh, जो एम्प्रोयर का कार्ड है और अपसाइड एम्प्रोयर है ये तो वट यू नीड टू नो वट यू नीड टू नो जो बोलता है वो एम्प्रोयर का कार्ड अपसाइड ये फ्रंट बोलता है um, लॉजिकल थॉट्स राइट अपने आप को डोमिनेट करना अपनी लॉजिकल थॉट्स को कंट्रोल करके या लॉजिक को कंट्रोल करने देने पे टेम्परेरी कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना क्योंकि आप आपकी विजन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ है व्हाट यू नीड टू डू आपके हार्डवर्क और फ्रू लेबर के फ्रूट जो है वो आपकी तरफ आना कॉम्प्रीहेंड करना कि कुछ भी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो जैसा है उसको वैसे ही प्रोसीड होना बहुत ज्यादा जरूरी है So, this is very beautifully telling you something. Uh, so, Shanka, message what you need to um, know. इज दैट everything is इज अंडर कंट्रोल ओके सबसे पहले आपको जो जानना जरूरी है वो ये है कि सब कुछ जो है वो कंट्रोल में है आधा, आधा आपको दिखाई दे रहा है आधा आपको नहीं दिखाई दे रहा है पर जो आधा नहीं दिखाई दे रहा है वो भी एग्जिस्ट करता है सूरज आपको आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है छुपा हुआ है लेकिन वो भी एग्जिस्ट करता है जो एम्पर है जो किंग है जो पावर है जो अथॉरिटी है उसके हाथ में पूरा कंट्रोल है उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मैनेज कर रहा है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है और उसको पता है कि कब क्या शेप लेनी है कब क्या डिसीजन लेना है कब क्या मूव करना है पॉजिटिव um, और नेगेटिव फोर्सेस दोनों हैं उसके आसपास लेकिन जो नेगेटिव फोर्स है उसके साथ वो उसको उसके उसके एक्शंस को देख सकता है उसको पता है वो क्या स्टेप लेनी आंख है तो वो एक्शंस को देख सकता है उसको पता है क्या स्टेप लेना है और इस हाथ पे जो ब्लैक वाली आ, 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 ये है इम, आ, शेप यहां पे जो ब्लैक वाला रैम है रैम हेड उसके ऊपर इसने जो हाथ है उसके उसके ऊपर आप देखोगे तो वॉर ग्लव्स या वो पहने हुए हैं वॉर सूट का वाला हाथ है विच मीन्स दैट देर इज अ स्ट्रांग स्टैंड दैट इज बींग टेकन फॉर द ब्लैक रैम विच मीन्स जो ब्लैक रैम हेड विच मीन्स की जो भी चीजें हो रही हैं गलत एनर्जी पे या दूसरी साइड पे उस पे बहुत सख्त अंकुश जो है वो लगाया जा रहा है और सब कुछ पता है और दूसरा जहां पे फ्यूचर जो है क्रिएट करना है दैट इज ऑल्सो वेरी मच इन कंट्रोल आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो हाथ में नहीं है गोला लेकिन जहां पे भी ऊपर उड़ रहा है वो कंप्लीट कंट्रोल में है और वहां पे पीछे आपको स्टार्स दिखाई देंगे इट फील्स लाइक ही इज सिटिंग इन अ केव ऐसा ही लग रहा है ना कि एक केव में बंद है तो आपको ये जो एनर्जी है यही एनर्जी आपको क्या करना है पे अगर आप जाओगे तो इट कम्प्लीटली चेंजेस सो द केव चेंजेस राइट और अगर बाहर देखोगे तो व्यू आल्सो चेंजेस यहाँ पे आपको सन पूरा दिखाई दे रहा है मून है यहाँ पे दो यू कैन सी अ बिग बॉक्स ह्योर आप उसको गिफ्ट बॉक्स समझ सकते हो आप उसको एक स्क्वेयर बॉक्स समझ सकते हो एक मशाल जो जल रही है आपको इस मशाल को जलाए रखना है आपको ये इंश्योर करना है कि ये मशाल जलती रहे आपको ये इंश्योर करना है कि आप सन पे ध्यान दो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने इमोशंस को कम्पलीटली बैलेंस रखो और आपको ये इन्श्योर करना है कि जो भी ये बॉक्स के अंदर है ये आपके सामने आएगा आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है यहां पर अगर आप देखो यू रिमेम्बर एक ट्वीट डाला था मैंने द फ्लड गेट्स हैव ओपन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक डैम दिखाई देगा या एक हाथ जो जो एम्पर का हाथ है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे दूर से तो इट फील्स लाइक अ डैम ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे एक डैम है और ये फ्लड जो है या पानी जो है निकल रहा है और अगर पास से देखोगे तो ये एक्चुअली एम्प्रोयर uh, का हाथ है सो डेफिनेटली डेफिनेटलीर इज एन एक्शन जिसमें ये एनर्जी आ रही है देर इज एन एक्शन जो प्लान है जो हो रहा है एंड दैट एक्शन इज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ये एक्शन जो है वो कंप्लीट कंट्रोल में है और अगर आप फ्रंट से क्राउन देखेंगे तो आपको किंग का क्राउन अलग दिखाई देगा और अगर बैक से देखेंगे तो अलग दिखाई देगा बैक से ये क्राउन जो है ये सिल्वर दिखाई दे रहा है फ्रंट से ये क्राउन जो है ये गोल्डन दिखाई दे रहा है सो दे इज अगेन अ बैलेंस हेयर तो आपको क्या करना है आपको भरोसा रखना है दैट ये बैलेंस जो है ये इसमें सब कुछ आ, सब कुछ बैलेंस्ड है सब कुछ अंडर कंट्रोल है आपको भरोसा रखना है कि ये आंख जो है ये सब कुछ देख रही है ही इज अवेयर ऑफ एवरी क्योंकि ये सुशांत का मैसेज है आपको भरोसा रखना है और आपको वो मशाल जो है वो जला के रखनी है और जो बॉक्स है जो अभी तक खुला नहीं है वो खुलने वाला है बहुत जल्दी आपको अपने आपको बैलेंस रखना है दैट इज व्हाट यू यू नीड टू नो एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू सो भरोसा रखिए बिकॉज देर इज अ बिग चेंज दैट इज कमिंग ओवे ये फोर की एनर्जी है और ये टेन uh, और इलेवन की एनर्जी है सिक्स फिर से बन गया um, और सिक्स जो है वो um, विक्ट्री होता है विक्ट्री डेफिनेटली इज आर सो थैंक यू सो मच और अगर हो सके वीडियो को लाइक कीजिए सबके साथ शेयर कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट बाय बाय